इस देश का हिंदू चेहरा, हिंदू नेता, पॉलिटिकल हिंदू हृदय सम्राट कह लीजिए, मुझे लगता है कि काम के आधार पर अगर देखा जाए मोदी जी। ओके, पर वो केवल हिंदू नहीं है, वो भारतीय नेता है और पूरे भारतवर्ष के नेता है, परंतु हिंदू को मैं वे ऑफ लाइफ की तरह लेता हूँ, तो इसलिए मैं उस प्रकार से। ठीक है, पॉइंट टेकन। सबसे विद्वान, सबसे पढ़ा लिखा नेता आप किसे मानते हैं? सुधांशु त्रिवेदी। अरे वाह, मैं सुधांशु त्रिवेदी जी, देखो उन्होंने पहली बार इस सीट पर आकर बैठकर आपके इंटरव्यू शुरू किया, अगर सुधांशु त्रिवेदी जी के ज्ञान का और उनकी बोलने की क्षमता का मैं 50% भी अनुकरण कर लूं तो मैं गंगा नहा। एब्सोल्युटली मानना पड़ेगा। सबसे तेज प्रवक्ता अक्रॉस पार्टी लाइन आप किसे मानते हैं? बेस्ट डिबेटर सुधांशु जी को ही, पर क्योंकि रेपिटेटिव हो जाएगा तो संबित पात्रा भी कह सकते हैं। क्या बात है, वेरी गुड संबित जी, में वो कला है कि किसी भी मुद्दे को बहुत अच्छी तरीके से पॉलिटिकली हैंडल कर सकते हैं। ओके, देश का सबसे झूठा नेता कौन सा है? अरविंद केजरीवाल। सबसे सच्चा नेता कौन सा है? प्रधानमंत्री मोदी जी। इस देश का बेस्ट मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर, योगी आदित्यनाथ जी। अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रधानमंत्री कौन रहा है? मेरे हिसाब से इतिहास भी इसको आगे जाकर स्थापित करेगा, प्रधानमंत्री मोदी जी। ओके, बीजेपी का अब तक का सबसे अच्छा अध्यक्ष कौन सा रहा है? मुझे जेपी नड्डा जी की अध्यक्षता में ही काम करने का मौका मिला है तो मैं नड्डा जी कहूंगा, क्योंकि नड्डा जी कार्यकर्ताओं के अध्यक्ष है। ओके, कांग्रेस का बेस्ट अध्यक्ष कौन सा रहा है अभी तक? कांग्रेस में सीईओ होते हैं या अध्यक्ष नहीं होते, यहाँ पे तो एक परिवार ही चलता है, अध्यक्ष कोई भी हो वहाँ पे परिवार की चलती है। ओके, तो ये सवाल ही गलत हो गया। ओके, अब तक की सबसे बड़ी गलती अपनी आप क्या मानते हैं? मैंने भारतीय जनता पार्टी बहुत देर से ज्वाइन की। ओके, और सबसे सही फैसला? निश्चित रूप से सही समय पर मतलब भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करना सही फैसला होगा, परंतु मुझे लगता है कि सही फैसला ये भी होगा जो बगावत मैंने कांग्रेस से की। तो सबसे बड़ी उपलब्धि क्या मानते हैं अभी तक अपना अचीवमेंट? मेरी उपलब्धि ये है कि मैं अपने काम के प्रति और अपने देश के प्रति 24/7 कमिटेड रह सकता हूँ और मैं हर रोज उठकर ये काम कर सकता हूँ, तो मैंने अपने आप को उस प्रकार से ढाला, ये व्यक्तिगत उपलब्धि मानता हूँ। ओके, और सबसे बड़ा फेलियर कोई है मानते हैं? मेरा फेलियर ये हो सकता है कि मैं अपने परिवार को और बाकी अपने मित्रों को समय नहीं दे पाता हूँ, तो ये मेरा फेलियर है व्यक्तिगत रूप से। ओके, अब आपको चुनना है, ठीक है, दो तीन ऑप्शन दूंगा उसमें से आपको चुनना है, राहुल या प्रियंका या सोनिया, बेहतर नेता कौन? सोनिया। नेहरू जी या गांधी जी? गांधी जी। भाई और बीजेपी में से चुनना हो तो? बीजेपी। भाई नहीं, भाई और देश में से चुनना हो तो? सवाल ही पैदा नहीं होता। देश। मोदी जी या वाजपेयी जी? मतलब किस प्रकार का चुनाव है, मतलब मुश्किल सवाल है ना, ऐसा कैसे? अगर नहीं चुन सकते तो आप कह सकते हैं? मैं ये कह सकता हूँ कि वाजपेयी जी की मानसिक, उनकी जो एक प्रकार से क्षमता, उनकी जो क्षमता थी वो, और मोदी जी की कटिबद्धता, दोनों को सुनना। मोदी या नेहरू? मोदी जी। वाजपेयी या नेहरू? वाजपेयी। नेहरू या गांधी? हो गया वो तो मैंने कहा, महात्मा गांधी जी। दिग्विजय सिंह, राजीव शुक्ला और मनीष तिवारी? राजीव शुक्ला जी। धर्म पहले या देश? देश, देश, देश। वो तो बीजेपी की फिलोसफी है, ये सारी चीज सभी लोगों को। परिवार पहले या देश? देश, बिल्कुल। लोकसभा जाना चाहेंगे या राज्यसभा? पार्टी जहां भेजना चाहेगी वहां चला जाऊंगा, मैं तो बूथ पे भी काम करने के लिए। चुनाव या संगठन? संगठन, संगठन, बिल्कुल। अब मैं कुछ नेताओं के नाम लूंगा और कुछ लोगों के। एक शब्द जो आपके जहन में आता है, तहसीन पूनावाला। हाई फ्लाइंग। मोनिका वाड्रा। बहुत प्यारी मेरी भाभी और जुर्वान की मम्मी। रॉबर्ट वाड्रा। पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए। और मैं ये सवाल इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपकी पार्टी जीजाजी को चोर बताती है। हाँ, तो अगर किसी ने कुछ किया है और कोर्ट भी उस बात को मानता है तो वो तो बात हम रखेंगे। Okay. आपने रॉबर्ट वाड्रा के लिए कहा उनको राजनीति नहीं करनी, राजनीति से दूर रहना चाहिए। राहुल गांधी। राहुल गांधी डिसऑनेस्ट नेता है और राहुल गांधी को भी एक प्रकार से डिसऑनेस्ट हो गया। प्रियंका गांधी। टेम्परमेंटल। सोनिया गांधी। सोनिया गांधी जी पुत्र मोह में गलत निर्णय लेने वाली। वरुण गांधी। वरुण जी ये गूगली है। मुझे लगता है कि स्टेबिलिटी, अगर स्टेबिलिटी आए तो ठीक है। स्टेबिलिटी। मेनका गांधी। मेनका जी तो मैं तो यही कहूंगा कि प्राणियों के प्रति उनका प्रेम जो है उस सराहनीय, काफी लोग प्रशंसा करते हैं। Okay. सुरेश कलमाड़ी। कांग्रेस बताएं। तेजस्वी यादव। मुझे लगता है उनके लिए कह सकते हैं कि लालू जी के वारिसदार होने के अलावा कोई गुण नहीं। असदुद्दीन ओवैसी। निजामी मानसिकता और नए जिन्ना बनने का भरपूर प्रयास करने वाले व्यक्ति। Okay, क्योंकि आप महाराष्ट्र से आते हैं इसलिए देवेंद्र फडणवीस। महाराष्ट्र की दशा और दिशा बदलने वाला नेता। अजीत पवार।
अजीत पवार जी बहुत ही स्ट्रॉन्ग अपने लीडर हैं अपनी कम्युनिटी के, अपने और ग्रास रूट के, बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रास रूट लीडर। शरद पवार, उनको हम लोग साहेब कहते हैं प्यार से, और साहेब जो है कभी कभी उनके दांव जो है वो सही नहीं होते। शरद पवार बीजेपी के साथ आ सकते हैं? नहीं, मैं आपको बताऊं, 2017 में 2019 में जब हमारी सरकार बनी बन रही थी, या उस समय शिवसेना ने हमारे साथ लड़ा नहीं था साथ में, सॉरी 2017 की बात नहीं कर, 2019 की नहीं, सॉरी, इससे पहले की, जब हमें कुछ महीने तक शिवसेना ने सपोर्ट नहीं किया था, हमारी 100 से अधिक सीटें आई थी, तब एनसीपी ने ही हमें असेंबली में सपोर्ट किया था, और वो निर्णय शरद पवार जी का ही था, और वो ऑन रिकॉर्ड उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के हित के लिए। आखिरी, उद्धव ठाकरे? उद्धव जी असफल मुख्यमंत्री, सफल मुख्यमंत्री। ओके, वेल प्लेड, वेल प्लेड। बहुत कम आपने पास किए, कुछ